नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हिंदी का पेपर था आपका। देखिए, 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने सही हुए हैं, और साथ ही साथ जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, जो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं हिंदी के, कितने आपके सही हुए हैं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। चलिए सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने क्या आंसर लगाया है बताइएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है, तो ये किया है 4 कालों में, राइट आंसर हो जाएगा। परसु का अर्थ होता है, तो परसु का जो अर्थ होता है वो होता है फर्शा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है भरत मुनि की। आपने क्या लगाया आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना, 1 से लेकर 23 तक। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था? सर कंडे का। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। माता का अंचल पाठ के आधार पर मकई के खेतों में झुंड चर रहे थे चिड़िया के, खालिस्तान देखेंगे, सभी खालिस्तान के आंसर बताएंगे आपको। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भाषा में की, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि, ठीक है, अवधि आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, आश्रय की बहाए शारीरिक चेष्टा को अनुभव क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य। दिल्ली चलो का नारा ने दिया, तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। यहाँ पर आ जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर बनाते थे क्या? शहनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले हम पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके बाहर हुए होंगे। सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है? असत्य। तो फिर किसको कहा गया है, आप सभी मुझे आंसर बताइएगा। संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि कितनी मानी गई है? 33। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के छंदोवे की छाया कहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य। लेखक शिवपूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। अब यहाँ पर जोड़ी सबसे बड़ी दिक्कत का विषय यहाँ पर बन रही है। क्यों? क्योंकि ये इधर दे रखे हैं 6, इधर दे रखे हैं 12। अब मिला है तो मिला है किससे? तो यहाँ पर आपको मैं जो बताऊँगा वो बिल्कुल सही है। भृगुकुल के ध्वज वो मिलाए थे आप टास से, अगर आपने टास से मिलाया है तो आपका सही है। दोहा को आप मिलाओगे चा से, अर्थ सम मात्रिक छंद, और कहानी के तत्व 3 जा से, 6 होते हैं। निस्तब्धता इसको आप मिलाओगे सन्नाटा, और गले का हार इसको आप मिलाओगे बहुत प्रिय 5 नंबर खास को, महतारी मतलब माता 6। ये आपकी जोड़ी है, ये जोड़ी आपकी बिल्कुल सही है। अब एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? धनुष टूटने के कारण। लिख सकते हैं आप किस घटना के कारण हुआ? धनुष टूटने के कारण, है ना, ये आंसर आपका हो जाएगा। उद्दीपन किसे कहते हैं?
जो वह बाह्य वस्तुएं जिसे देखकर क्या कहते हैं भाव जागृत होते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं बाह्य वस्तुओं को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं उद्दीपन। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो यहाँ पर इसका राइट आपका आंसर बता देते हैं आपको, इसका हो जाएगा कार्तिक माह से शुरू होती थी। तो कहाँ तक चलती थी? फाल्गुन, ठीक है। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि। आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति करते दोहरा लाभ। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहाती दुनिया, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर है आपके, यहाँ पर दुरचना है, बाघपक्ष कलपक्ष लिखना था, जिसके बाद में ये सभी पहले पार्ट दूसरे पार्ट से क्वेश्चन है। इधर आप देखेंगे तो देखिए महाकाव्य खंडकाव्य मंत्र आ चुका है, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित आ गए हैं, जीवन और आत्मकथा में अंतर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। कृतिका के क्वेश्चन है, बोलनाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षक न क्यों बोल जाता है? ये मुहावरे हैं, ये एक वाक्य के लिए एक शब्दांश है। आगे आप देखेंगे अगले क्वेश्चन, ये संदर्भ प्रसंग है, ठीक है। हमारे हरी आरिल की लकड़ी, ये सब इसका संदर्भ प्रसंग करना था, आप लोगों को बताया है मैंने किस प्रकार से करते हैं। ये दूसरे पाठ से है, नात संबोधन भंज निहारा, ठीक है। ये आपका नेताजी के चश्मा पाठ से है, जिसको लिखने वाले कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सारा जो क्वेश्चन पेपर आया है, कहने का तात्पर्य है बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाल गोविंद भगत वाले पाठ से आए हैं ये पंक्तियाँ। और यहाँ पर देखिए परोपकार पर अनुच्छेद लिखना था, ये विज्ञापन तैयार करना था, और यहाँ पर इस अपठित काव्यांश को या इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। काव्यांश का देना है तो ये आंसर है, और इसका इसके देना है तो ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये देखिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने तो आ चुका है, और ये निबंध आपका है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल था, आपके कितने ऑब्जेक्ट सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत सरल पेपर था। अब लग जाइए संस्कृत की तैयारी में, एक से एक पेपर आपको जबरदस्त मिलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।